हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बनाएंगे पनीर के पकोड़े, एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैंने बेसन लिया है पनीर के पकोड़े बनाने के लिए। तो बेसन को हम बेसन में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे काली मिर्च पाउडर और 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट के लिए है बारीक बारीक टुकड़ों में, यहाँ पे 1 कटोरी धनिया। तो ये मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मिलाएंगे। पहले हम इसे चम्मच से मिलाएंगे अच्छे से, इसके साथ जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे इसमें उसे हम पहले मिक्स कर देंगे। तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो नमक मिर्च हल्दी सारा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो मैंने सब मिक्स कर दिए बाउल में। अब डालेंगे हम इसमें धीरे धीरे से पानी डालेंगे। पानी हमें एक साथ ही ऐड नहीं करना है, तो हम धीरे धीरे से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें पानी बेसन में हमें थोड़े थोड़े से करके डालना है पानी। अगर आप एक साथ ही इसमें पानी डाल दोगे तो बेसन में गोले पड़ जाते हैं, बेसन के गोले बन जाते हैं। तो पानी हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे ये मिक्सर लिया है हमने, अब मैं इसे इससे अच्छे से मिलाऊंगी इसे, और एक ही साइड की तरफ को ही घुमाना है, उल्टा नहीं लेना इस तरह से। तो आप इसे एक साइड को ही घुमाना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें गोले नहीं पड़ने देना और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी लानी है। और बिल्कुल भी बैटर को पतला भी नहीं बनाना, अगर बैटर पतला बन जाएगा तो ये जो हमारे पनीर के पकोड़े बनेंगे, जो पनीर के पीसेस रहेंगे उसमें बिल्कुल भी कोडिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो एकदम पतली कोडिंग लग जाएगी तो पनीर अंदर ही अंदर पनीर पनीर दिखने लग जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये बैटर को बनाना है ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ, ताकि ये हमारे पनीर पे अच्छे से कोडिंग हो सके, बाहर से चिपके रहे। और इस टाइप से हमें ये बैटर को बन के हमारा बैटर यहाँ पे रेडी है। तो हमें इसे थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने देंगे और इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपने जो पनीर के पीसेस है वो कट कर लेते हैं पनीर को। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर लिया है, 700 ग्राम मैंने पनीर लिया है। मैं इसके पीसेस कर दूंगी यहाँ पे। तो हम इसको आप किसी भी शेप में, जिस शेप में आप पनीर के पकोड़े बना रहे हो, आप जिस शेप में भी आपका कटिंग करने का मन करे तो आप उसी शेप में इसे काट सकते हो। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे ये सारे पनीर की कटिंग कर दी और थोड़े से मोटे 1.5 सेंटीमीटर के उसमें मैंने ये पनीर काट रखा है। तो मैं इसे अब कोट करूँगी बेसन से। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गरम करने रख दिया था पहले ही, तो हम चेक करेंगे कि ऑयल गरम हो चुका है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे। तो हम इस तरह से पीसेस उठा के इधर पनीर के वो जो हमने बैटर बनाया है उसके अंदर इसे कोट करेंगे और ऐसे ही उठा के ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो ऑयल फाइनली हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है। तो अब हम पनीर के पकोड़े तलने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक पीस उठा के डालेंगे। तो हम इधर जो पनीर के पकोड़े तलने के लिए डाले थे उसे हम दूसरी साइड के लिए पलट देते हैं सिकने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो पनीर के पकोड़े हैं वो एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, पकने के स्टेज में आ गए हैं बिल्कुल। ये बाहर की लेयर देखो, ये बिल्कुल पक चुकी है। तो ये देखो एकदम क्रिस्पी टाइप हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में हमने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है प्लेट के ऊपर, तो मैं प्लेट के ऊपर इन्हें ही शर्व कर रही हूँ। और यहाँ पे हम एक पकोड़ा आपको काट के दिखाते हैं कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी। तो ये देखो,
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पनीर के पकोड़े की रेसिपी है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसे लगी, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलना। वहाँ पे बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना, मेरी जो आने वाली रेसिपी होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मैं मिलूँगी आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।